कैसे हो आप सब? क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के? क्या हाल चल रहे हैं बिटकॉइन के? बात करेंगे मार्केट की और क्या अपडेट्स आ रही हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बिटकॉइन से। बिटकॉइन की अगर जहाँ तक हम बात करें तो बिटकॉइन आज काफ़ी अच्छा हमको जो है एक नमी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। और आप डंप देखोगे 30,900 की शुरुआत कहीं ना कहीं की थी बिटकॉइन ने। 31,000 के भी लेवल कल हिट किए फिर से, लेकिन उसके बाद जो मार्केट गिरी है वो कंटिन्यू गिरी है। और अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन के जो लेवल गए हैं वो यहाँ पे 30,200 तक गए हैं, और अभी 30,300-400 के करीब बिटकॉइन चल रहा है। और ये सारा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो प्रेशर है वो FOMC का है। जब भी FOMC और CPI डेटा की डेट्स आती हैं, ये कहीं ना कहीं पीछा नहीं छोड़ेंगी। और जब भी ये डेट्स होती हैं तो मार्केट को कहीं ना कहीं वॉलेटाइल वाला जो काम है मार्केट के अंदर वो शुरू हो जाता है, ठीक है। और अब जो है तकरीबन तकरीबन 2 घंटे बाद 11:30 के ऊपर जो है यहाँ पे आज रात को क्या आने वाला है, FOMC के मीटिंग मिनट्स आने वाले हैं। FOMC मीटिंग मिनट्स, ये मीटिंग नहीं है, मीटिंग मिनट्स हैं। और ये भी बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। FOMC का अगर कुछ भी आता है तो भैया वो मार्केट को वॉलेटाइल करता है। तो थोड़ा सा 2 घंटे के लिए अवेयर रहिए। जो भी डिसीजन आएगा सबसे पहले आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, कोई अपडेट वहाँ आपसे मिस नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तैयार रहिए, और वॉलेटिलिटी आपको अगले 2 घंटे में मार्केट के अंदर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्लॉकी इनू की। फ्लॉकी जस्ट क्रॉस 4 लाख होल्डर ऑन द BNB चेन अलोन। अगर मैं BNB चेन की बात कर लूँ तो सिर्फ BNB चेन के ऊपर जो है 4 लाख होल्डर क्रॉस कर लिए हैं आज की डेट में। जो है फ्लॉकी इनू को 4 लाख लोगों ने खरीद रखा है। और अगर हम इथीरियम की बात करें, इथीरियम नेटवर्क पे, तो वहाँ पे सिर्फ 72,000 होल्डर्स हैं, ठीक है। तो टोटल होल्डर अगर हम देखें 4,72,900 से भी ऊपर पहुँच चुका है नंबर। और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, 4 लाख होल्डर वाली क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है फ्लॉकी इनू। नेक्स्ट अपडेट भी फ्लॉकी इनू की तरफ से है। फ्लॉकी हैज़ फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद बिटगो, ए लीडिंग डिजिटल एसेट फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एंड क्रिप्टो कस्टडी सॉल्यूशन विद ओवर 64 बिलियन डॉलर ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो एक और पार्टनरशिप, बड़ी पार्टनरशिप यहाँ पे अगर हम बात करें बिटगो की, तो 64 बिलियन डॉलर और ये पार्टनरशिप किया है फ्लॉकी इनू और बिटगो ने, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट है वकायर को लेके। वकायर ज्वाइन ब्लैक रॉक इन रीफाइलिंग बिटकॉइन ETF एप्लीकेशन। तो बिटकॉइन ETF की जो एप्लीकेशन है वो ब्लैक रॉक ने भी रीफाइल की। तो जितने एप्लीकेशंस फाइल हुए थे वो दोबारा से रीफाइल हो किए जा रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर अब ज्वाइन किया है वकायर ने भी, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपे 2.0 के बारे में। अभी मार्केट में पेपे ऑलरेडी इतना बड़ा धमाल मचा चुका है, और अभी फिर से कंटिन्यू जो है आप देख रहे हो पेपे में थोड़ी बहुत रैली जो है हम देख रहे हैं। लेकिन पेपे तो था ही मार्केट में, लेकिन पेपे 2.0 भी आ चुका है मार्केट में। और पेपे 2.0 अगर आप देखो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मिल जाएंगी, ठीक है, पेपे 2.0 के नाम से। तो हुआ क्या है, इसके लिए कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करें। लेकिन हुआ कुछ ऐसा है कि जैसे पेपे ने शुरुआत में कमाल किया था वैसे ये कर रहा है। और एक ट्रेडर की हमने बात की थी, अगर आप देखो पिछले 24 घंटे में वन डे का चार्ट है, जहां मार्केट डाउन चल रही है यहां 47% इसके प्राइस बढ़ गए हैं। एक ट्रेडर ने यहां पे काफ़ी अच्छा पैसा बनाया इस कॉइन से, ठीक है। क्योंकि अगर हम पिछले 7 दिन की बात करें तो 1000% तक ये पंप हुआ है। 1000% की रैली पिछले 7 डेज में ये अकेला कॉइन पेपे 2.0 दिखा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छा पैसा भी बनाया एक ट्रेडर ने, ठीक है। तो कोई भी एडवाइस नहीं है, लेकिन मार्केट में आप समझने वाली बात क्या है कि ये मार्केट में आप देखो ऐसे कॉइन पंप हो रहे हैं जिनमें आपका पैसा नहीं होगा, या तो वो लो कैप क्रिप्टो होंगे
या ऐसे नए कॉइन होंगे जो आते ही बड़ा पंप दिखाएंगे, ठीक है, आते ही गेम होगा और बहुत सारे लोग इसी गेम में पैसा बनाते हैं और उसके बाद कॉइन ठप। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में ओल्ड कॉइन्स की जहाँ तक मैं बात करता हूँ जिनमें अच्छा पैसा लगा हुआ है, बिलियंस ऑफ डॉलर है, लेकिन वो अच्छा पंप अभी तक नहीं कर पाया है। 2022 में तो वैसे भी नहीं किया था, लेकिन ये 6 महीने निकल गए, बहुत सारे ओल्ड कॉइन अच्छे खासे नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो इस टाइम पे समझने वाली है जो मार्केट में हो रहा है। नेक्स्ट अपडेट है बाइनेंस को लेके। ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटर सर्च बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया ऑफिसेज। तो बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया का जो ऑफिस है वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन SIC सर्च बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया ऑफिस ऑन ट्यूसडे एंड द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मेंटेन दैट इट इज़ फोकस्ड ऑन कंप्लाइंग विद रूल्स। तो एक तरह से जो है सर्च किया गया यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन की तरफ से बाइनेंस ऑस्ट्रेलिया के ऑफिस। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे XVG कॉइन को लेके, जो पिछले 7 डेज में 480% तक प्राइस गेन हुआ है उसका और अब इंडियन एक्सचेंज के ऊपर आया, जिसका नाम है जियोटस। और जियोटस इज़ द टॉप रेटेड इंडियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म। तो जियोटस ने जो है यहाँ पे वर्ज यानी XVG कॉइन को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे DYDX के बारे में। वी आर थ्रिल टू अनाउंस दैट द DYDX चेन पब्लिक टेस्टनेट इज सेट टू लॉन्च ऑन 5th of July, यानी कल जो है यहाँ पे इनका पब्लिक टेस्टनेट आने वाला है और इसका अपडेट हम पहले भी दे चुके हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा DYDX का। तो आज ही ये जो है टेस्टनेट हमको देखने को मिला है DYDX का, कल की डेट नहीं है, आज की डेट है, और देखते हैं इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आज तो मार्केट के लेवल ठीक नहीं है और क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका DYDX के प्राइस के ऊपर। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है डैश क्रिप्टो को लेके। द डैश कोर V19 हार्ड फोक स्टेटस है चेंज टू लॉक्ड इन टुडे ड्यू टू माइनर सिग्नलिंग। तो इनका जो एक हार्ड फोक है ना, उसकी डेट भी आज की डेट थी और वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिला, जिसका नाम है V19 हार्ड फोक। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।